खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद जनपद में पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। फर्रुखाबाद जनपद के थाना क्षेत्र राजेपुर पुलिस बाय एसओजी ने प्रदेश समेत पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से तकरीबन 40 लाख रुपए के 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किए हैं। फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में थाना पुलिस राजेपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य कन्हैया बलदेव, अवधेश, गजेंद्र, मुकेश, भूरा ठाकुर को 6 ट्रैक्टर 3 ट्राली समेत थाना क्षेत्र राजेपुर में गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्त फर्रुखाबाद जनपद समेत आसपास के जनपदों में दर्जनों चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं गिरोह के सदस्य चोरी किए गए ट्रैक्टर को प्रदेश के बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में बेचने का काम करते हैं। अभियुक्तों पर फर्रुखाबाद जनपद समेत गौतम बुद्ध नगर, बांदा, मथुरा जनपदों में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल इन सभी अभियुक्तों की पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी, लेकिन फर्रुखाबाद जनपद में घटना को अंजाम देने के लिए आए दिन सभी सदस्यों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र राजेपुर में गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले से पर्दा उठाया है और जिले में लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस अब लगाम लगाने की बात भी कह रही है। आगे सुनिए फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस मामले पर क्या कहा है। एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि जहर पानी करने के बाद में ट्रैक्टर चोरी करता है और उसके बाद उनके 36 नंबर और इंजन नंबर चेंज करके नई RC जारी करवा के अन्य राज्य में इसको बेचते हैं। और इसमें राजेपुर थाना के अंतर्गत एक मुकदमा पहले से ही दर्ज था जिसमें ट्रैक्टर चोरी हुआ था। साथ ही साथ कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा दर्ज था। साथ ही साथ उसमें जहर खानी भी हुई थी। इसमें CO अमृतपुर के नेतृत्व में SOG टीम, थाना राजेपुर की टीम और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय जहर खानी का ट्रैक्टर चोरी करने वाला जो गैंग है इनके 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ इनके पास से 6 चोरी के जो ट्रैक्टर हैं, साथ ही साथ 3 ट्रॉली वो बरामद की गई है। इनके 3 अन्य साथी हैं जो मौके से फरार होने में सफल रहे, उनके लिए भी टीम लगा दी गई है, उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। ये जो ट्रैक्टर हैं इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख के करीब और इन्हें जो ग्राम देहलिया के आगे इनका बट्टा है उसके पास से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें इन सभी अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये बड़े शातिर अपराधी हैं। इनमें से कुछ मथुरा के रहने वाले हैं, कुछ कानपुर देहात के रहने वाले हैं, कुछ इटावा के रहने वाले हैं और इसमें जल्द से जल्द पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। एक कबाड़ी भी सर गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अन्य अभी जो लोग हैं जो इसमें 3 फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है उसके अलावा भी अन्य लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हों जो RC बनवाते हैं, जो 36 नंबर और इंजन नंबर को चेंज करवाते हैं। तो जब अन्य 3 लोग गिरफ्तार होंगे तो उनके बारे में पता चलेगा, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया।